नमस्कार। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं लेकिन साथ में ये गलतियां करते थे तो वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। दूसरे स्टूडेंट्स वो एग्जाम क्लियर कर लेते लेकिन बहुत से स्टूडेंट ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। क्यों? आखिर कैसे कैसे वो पीछे रह जाते हैं? वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं, वो भी उतना ही प्रयास करते हैं जो दूसरे करते हैं, लेकिन वो दूसरे से पीछे क्यों रह जाते हैं, वो फेल क्यों हो जाते हैं? इन पांच कारणों से वो फेल हो जाते हैं, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। अगर आपको सही तरीके से एग्जाम क्रैक करना है, चाहे वो IIT का हो, चाहे वो NEET का हो, चाहे वो IAS का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आप क्लियर कर पाओगे। ये पांच गलतियां आप कभी मत करना। और वो पांच गलतियां क्या है ये देखिए आप। नंबर वन, दिमाग में कभी ये बात मत लाना कि यार ये एग्जाम बहुत कठिन है। पता है आपने, आपने भी बचपन में आज जब सुना होगा, कोई कहता था बचपन में, या फिर आप भी कहते थे कि पापा मुझे SP बनना है, पापा मुझे कलेक्टर बनना है, पापा मुझे डॉक्टर बनना है, तो पापा मम्मी क्या कहते हैं, बेटा उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। बचपन से दिमाग में होवा पैदा कर दिया जाता है स्टूडेंट के कि यार नहीं यार, डॉक्टर के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, IAS के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, और बड़े बड़े अफसर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। कभी दिमाग में ये मत लाए कि यार ये एग्जाम बहुत कठिन है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। और ये सब होगा, और ये सब माइंडसेट कौन करता है? आपके आसपास सर्कल वाले, आपके मम्मी पापा, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त सब कहते हैं नहीं यार वो एग्जाम तो नहीं होता, वो तो बहुत ही टफ एग्जाम, उसके लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती। जब ये होगा, दिमाग में पैदा हो जाता है ना पहले से ही, अगर आपके दिमाग में डर है कि यार ये मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो आप कैसे, हाउ कैन यू डू इट? यू कांट डू, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी फियर इन योर हार्ट। इफ यू हैव अ फियर इन योर हार्ट, हाउ कैन यू डू? नो, नथिंग। तो फियर, ये फियर कभी मत रखना दिमाग में, यार ये एग्जाम बहुत कठिन है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो और अगर ये फियर अगर आपके दिमाग में है तो आप वो एग्जाम कभी क्रैक नहीं कर पाओगे। तो ये बात अपने दिमाग में कभी मत रखना। इंटेलिजेंट स्टूडेंट से अपना कंपैरिजन मत करना, ध्यान रखना। बॉस क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे, जीनियस बच्चे भी होते हैं, आप चाहकर भी उनकी बराबरी नहीं कर पाओगे। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। अगर आप इंटेलिजेंट, अगर आप जीनियस बच्चों के साथ में अपनी तुलना करोगे, अपना कंपैरिजन करोगे, तो आपके अंदर एक नकारात्मक भावना पैदा हो जाएगी, आपके अंदर एक हीन भावना पैदा हो जाएगी, और आप एग्जाम में सही तरीके से क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे। आपका एग्जाम डिस्टर्ब हो जाएगा और आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। हर क्लास में, हर विषय में कोई ना कोई जीनियस स्टूडेंट होते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, उनका दिमाग तेज होता है, अपन उनके बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कभी दिमाग में ये नकारात्मकता माहौल, उससे अपनी तुलना मत न करना। अगर जब आपने उससे अपनी तुलना की तो दिमाग में नेगेटिव थॉट आएंगे, और वही नेगेटिव थॉट आपके एग्जाम के लिए बहुत भारी पड़ेंगे और आप अपना एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। थर्ड, अपने खुद की क्षमता को कम ना कहें। कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है, अरे यार बस उसके अंदर एबिलिटी होती है कुछ करने की, लेकिन उसे अंदर उत्साह, जील, उसे अपनी कैपेबिलिटी पता नहीं होती, यार मैं क्या कर पाऊंगा। बल्कि वो कर पाता है लेकिन अंदर से एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो अपनी क्षमता को कम आंकता है, वो देखता है यार नहीं यार ये मेरे से नहीं होता। बल्कि वो कर सकता है, बस उसे थोड़ा सा इंक्रेज करने की जरूरत होती है, बस उसे थोड़ा सा उत्साहित करने की जरूरत होती है, वो कर सकता है। लेकिन क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अपने आप को दूसरों से कमजोर समझते हो और अपनी क्षमता का आकलन कमजोर करते हैं, इसीलिए वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते और वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो अपनी क्षमता को कभी कम ना आके अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें कि मैं ये कर पाऊंगा और किसी भी हालत में कर पाऊंगा, मुझे एग्जाम क्रैक करना है। चाह करके दिमाग में नेगेटिव थॉट ना लाए कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा। फोर्थ, खुद को मशीन की तरह ट्रीट न करें। आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, आप IAS के लिए तैयारी कर रहे हो, आप NEET की तैयारी कर रहे हो, आप और TET की तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप रात दिन पढ़ाई करोगे, क्या खुद को मशीन बनाओगे?
खुद के लिए थोड़ा सा समय तो आपको निकालना पड़ेगा, घूमना फिरना थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आप 24 घंटे, आप 20-20 घंटे पढ़ाई करोगे तो दिमाग आपका मशीन बन जाएगा। खुद को मशीन की तरह ट्रीट मत करना, थोड़ा सा एंजॉय लेना, थोड़ा सा घूमना, थोड़ा सा फिरना, सब कुछ करना। खुद की अगर मशीन की तरह ट्रीट कर दोगे ना तो आपका माइंड अनबैलेंस हो सकता है, आप डिस्टर्ब हो सकते हो। फिफ्थ, माइंड डाइवर्ट कभी मत करना, लक्ष्य एक रखना। यह नहीं कि यार मैं डॉक्टर की भी कर दूं और मैं आईएएस की भी तैयारी कर लूं और मैं इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर लूं, नो नेवर। अपना माइंड कभी डाइवर्ट मत करना। जो जो स्टूडेंट अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं ना वो एग्जाम कभी क्लियर नहीं कर पाते। बस एक माइंड सेट रखना कि मुझे इस फील्ड में जाना है, इसी फील्ड में मुझे करियर बनाना है, उसके पीछे पड़ जाना, रात दिन एक कर लेना, उसी के पीछे आपको तरह तरह का माइंड सेट लगा के उसको ही लक्ष्य को पाना है। अगर आप तरह तरह का माइंड डाइवर्ट करोगे तो वो जो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, आपका माइंड तो दूसरी तरफ होगा और आप उधर एग्जाम दूसरा दे रहे हो, तो फिर आप कैसे सफल होगे, आप अपना एग्जाम कैसे क्रैक कर पाओगे? तो ध्यान रखना, ये 5 तरीके ऐसे होते हैं जिससे स्टूडेंट अनसक्सेस हो जाते हैं, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं और दूसरे स्टूडेंट एग्जाम क्रैक करके आगे निकल जाते हैं और आप एग्जाम में फेल हो जाते हो इन 5 कारणों से। तो ध्यान रखना, ये 5 बातें अपने दिमाग में कभी मत लाना।